अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है हमने जो फॉर्मूले स्टडी किए हैं ये क्वेश्चन उन पर डायरेक्टली नहीं है हमें सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो थोड़ा सा सोचिए कि हम इसे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं द क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स तो हमें क्या करना है हमें जो इन्यूमरेटर है सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेना है तो वी विल फैक्टराइज दिस बेकिंग एक्स स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स तो आफ्टर टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर हेयर वी विल गेट एक्स माइनस वन एंड दिस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ना एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन दोनों टर्म में है तो एक्स माइनस वन कॉमन लिया यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अब ये एक्स माइनस वन न्योमिनेटर में भी है और एक्स माइनस वन नीचे डिनोमिनेटर में भी है तो वी विल कैंसिल आउट दिस एक्स माइनस वन एंड फाइनली वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स ना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और वन का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग होगा कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दावर एन वॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दावर एन इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो यहाँ x स्क्वायर का x क्यूब हो जाएगा x क्यूब अपॉन थ्री और वन का क्या हो जाएगा x प्लस सी सो आर आंसर इज x क्यूब अपॉन थ्री प्लस x प्लस सी दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन क्या है क्वेश्चन नंबर एटीन है इंटीग्रेशन ऑफ सैकेक्स इंटू सेके प्लस टेन एक्स तो यहाँ अभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है और उसके बाद हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हम इंटीग्रल कर सकते हैं तो यहाँ क्या है सेकेक्स इंटू सेकेक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स अब इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कल मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे उसमें मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है टेन एक्स तो यहाँ आप लिखेंगे टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है आंसर इज सेक एक्स तो इसका एंटी डेरिवेटिव या इसका इंटीग्रल क्या होगा सेक एक्स तो यहाँ आप लिखेंगे सेक एक्स तो इसका इंटीग्रल तो है टेन एक्स और इसका इंटीग्रल है सैक एक्स प्लस सी तो आंसर क्या होगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन का एवरी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बस डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करनी है अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन एक मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं बल्कि एक मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन 改变。鞭鞭